बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करम सलीम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हैं हम कुचलाक में और ये क्वेटा से तकरीबन 12 किलोमीटर है ज़ियारत की तरफ, और यहां पे एक बहुत ही मशहूर होटल है आल दुबई होटल, और इनका जो रोश है वो पूरे बलूचिस्तान में मशहूर है। बहुत ही मज़े का होता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ खाने के लिए आते हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और कोशिश करेंगे कि इसकी रेसिपी जो है वो आपसे शेयर की जाए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो बलूचिस्तान का सबसे मशहूर रोश है वो कैसे तैयार होता है। तो चलिए, माशाल्लाह यहाँ पे रश काफ़ी है, तो ये सारे दोस्त जो हैं ये रोश खाने के लिए ही आए हुए हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं रोश खाने के लिए, और स्पेशली ड्राइवर भाई हैं जो, क्योंकि मेन रोड है साथ, और बहुत रश होता है यहाँ पे। दो दफ़ा दिन में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा यहाँ पे रोश बनाया जाता है, तो काफ़ी बड़े बड़े पतीले देश के जो है उनमें बनाया जाता है। बहुत ही मज़े का, बहुत नाम सुना इसका, तो आइए आपसे भी शेयर करते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। सबसे नीचे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला आप जी, ऊपर आप बकरी का गोश्त डाल रहे हैं, बड़े पीस हैं ये पीस बनाने में। ये पीस हमने बनाया, ये बन के आता है हमारे पास। सही है, गोश्त तो आपका अलहदा से बन गया। हाँ सही हो गया। तकरीबन कितना गोश्त इसमें डालते हैं आप एक देशके में? इसमें तकरीबन 80 पीस हमने डालना। 80 पीस? हाँ जी, मिक्स होता है ये सारे, मिक्स होता है ना। ये अभी चांप है, अभी ये हो गया गर्दन, हो गया चांप गर्दन। हाँ, ये रान का पीस है, ये रान का पीस है, ये जो है नीचे सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और ऊपर जो है वो गोश्त डालते जा रहे हैं, और गोश्त जो है वो बकरे का तकरीबन हर हिस्से का गोश्त जो है वो इसमें डाला लगाना है इसको। अभी इसमें नमक डाला, नमक अभी नमक जो है वो डाल दिया गया। अभी कटे हुए टमाटर जो है वो साइडों पे रखे जा रहे हैं। ये टमाटर रखे, टमाटर और डालने? नहीं नहीं, बस यही टमाटर डाला। सिर्फ एक ही टमाटर डाला? एक ही टमाटर जो है ना, 4 हिस्से कर दे। अच्छा, एक ही टमाटर डाल? हाँ, ज्यादा तो टमाटर डालना ही नहीं होता। अरे चूल्हे पे रखने के लिए और कुछ डाल? एक पैकेट 10 लीटर पानी डाला। अच्छा सही है, बस लीटर पानी है इसमें। अभी इसमें पानी डाल दिया गया 10 लीटर पानी डाल, और ये पेमाइश पेज के हिसाब से रखी होती है। तो चूल्हे में आग जो है लगा दी गई है, और ये आग जो है ना जब तक ये अपना जो है ना जो जब तक जोश ना आएगा तेज रखनी है, उसके बाद हल्की कर देनी। उसके बाद इसको हल्की कितने टाइम के लिए दम लगाना है? ये इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए। 3 घंटे? हाँ जी। अभी जी 3 घंटे के बाद हम देखेंगे, 3 घंटे से पहले इसका ढक्कन नहीं उठाना। नहीं नहीं, 3 घंटे के बाद। सही हो नहीं? तो ये रश देखें, ये गाड़ियाँ हर तरफ गाड़ियाँ गाड़ियाँ, तो ये सब लोग यहाँ पे रोश खाने के लिए आए हुए हैं, और जैसे जैसे रात होती जाएगी यहाँ पे रश बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे रोश खाने के लिए, क्योंकि बहुत मशहूरी है इस होटल की। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। आप इसी होटल पे काम करते हैं? जी जी, इसी होटल में काम कर रहे हैं सर। ये होटल में सर रोस्टे और जेंट फ्राई मिक्स है, मटन चाँप है, मटन सजी, मटन कढ़ाई, मछली मशहूर है वो तो मशहूर, तो सर रोस्ट है, नमकीन रोस्ट बहुत मशहूर है सर इधर रोस्ट में सर। तो रोस्ट खाने के लिए ही हम आए हैं। जी जी सर, सब बंदे में रोस्ट कह रहे हैं, तो उसका वीडियो हम बनाएंगे। जी सर, मेरे ठीक है, मेहरबानी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। चार बजे इसको ऊपर रखा था, अभी 7 हो रहे हैं, पूरे 3 घंटे हो गए हैं। अभी जी इसका ढक्कन जो है वो हटाएंगे और चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह।
तेल डाला है माशाल्लाह। ये देखें जी, अभी इसमें गरम किया हुआ कुकिंग ऑयल है वो डाला। कुकिंग ऑयल है ना, गरम किया हुआ ना कुकिंग ऑयल इसमें डाला जा रहा है ना। इसको 20 मिनट और देंगे। अभी ढक्कन नहीं ऊपर रखना ना, ऊपर रखना है ढक्कन। हाँ ढक्कन ऊपर रखना है, 20 मिनट और देंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अभी 20 मिनट इसको और पकाएंगे। हाँ और हल्की आँच पे ही पकाएंगे ना आप, हल्की आँच। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग ऑयल डाल दिया। कुकिंग ऑयल डालने के बाद ऊपर से डाल दिया और उसी आँच के ऊपर, जिस आँच के ऊपर इसको दम लगाया हुआ था, 20 मिनट इसको और पकाना और वजन दोबारा ऊपर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? ठीक है। तो आप इधर से हैं या कोयटा से? हम कोयटा से। कोयटा से तो क्या रोश खा रहे हैं? बिल्कुल आखिरी पेपर था, हम लोग खाना खा रहे हैं। अच्छा बिल्कुल। तो पहली दफ़ा खा रहे हैं या पहले भी? हम हर हफ्ते आते हैं। हर हफ्ते आते हैं। तो कैसा टेस्ट है? बेहतरीन। हम शाहपुर से आए हैं और बहुत नाम सुना है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। इस होटल का बहुत नाम सुना हमने, मेरे 4-5 दिन से हम आए थे। अभी जो है मैं भी टेस्ट करूँगा इंशाल्लाह। आए बैठे हैं, नाम बहुत सुना था। अच्छा, मैंने सोचा आपसे भी फीडबैक लूँ कि कैसा है। बेहतरीन है, होटल भी बेहतरीन है। मैंने सुना पूरे बलोचिस्तान में मशहूर है। ऐसा ही है ना, और ये रोटी है। तो ये माशाल्लाह आप सब भाई स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। तो ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, पर इस वक्त खाने में मसरूफ है। सही है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है। तो ये माशाल्लाह यहाँ पे रश अब बढ़ना शुरू हो गया। तो ये किचन है, बहुत साफ सुथरा किचन है माशाल्लाह। तो अभी दोबारा इसका ढक्कन जो है वो हटाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये जी रोश अभी तैयार हो रहा है। साथ इसमें क्या डाला? दाल। दाल के साथ सर्व किया जाता है। इसका मिक्सचर जो है ना, ये रोगन होता है। साथ थोड़ा इसके ऊपर तरी डाली है। ये तैयार हो गया आपका सैलड, फ्रेश सैलड और ये दादा रोटी और रोश। तो टेस्ट करें जी। माशाल्लाह निसार भाई अक्सर यहाँ से खाते रहते हैं, तो आज टेस्ट भी इनको करवाएंगे और साथ मुकल्लफ भाई है। जी निसार भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी। कल भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना करम भाई वाकई। और आपका बहुत मेहरबानी है जो हमारे शहर में आए, हमारे होटल की खाने चेक किए। जिंदाबाद। मोहब्बत है आप। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का लगा रोश हमें। तो वाकई जितना नाम सुना था उतना ही मज़े का। तो मैंने वैसे ऑफ कैमरा खाया, मैंने पहले भी खाया था और जो पहले से उनने बनाया हुआ था उन लोगों ने ना। तो यहाँ पे एक दिन में 2 से 3 दफ़ा बनता है ना, तो बहुत ही मज़े का है। तो अभी जो बना है
वो भी बहुत मज़े का है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पूरे बलूचिस्तान में इनका बहुत नाम है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, पूरी रात भी ये चलता रहता है, काफ़ी मज़ा आया हमें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर अदा कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।